सेटजिफ रूल या जायत्सव रूल क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। सेटजेफ एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब आपने भाई आपको मैंने आपको बताया था कि जो हेलोएल्केन है उसके अंदर प्राइमरीली तीन टाइप की रिएक्शन थी। एक तो कौन सी थी आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक आपके पास कौन सी थी बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी कौन सी थी, रिएक्शन विद मेटल्स। तो अब हम बात करेंगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इजंट इट। उसके दो मेन टाइप थे, SN1 और SN2। अब आपने क्या पढ़ना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उनका जो मैकेनिज्म होता है, थोड़ा हम उसकी बात करेंगे, किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का, और उनकी जो क्या बोलते हैं, एक तरह से रेजियो केमिस्ट्री है क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बात। ओके, मतलब वहां पर जो डबल बॉन्ड आएगा वो किस दिशा में शिफ्ट होएगा। अच्छा, एक हमारे पास क्या होती है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, और एक हमारे पास क्या होती है, एलिमिनेशन। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मेरे पास ये वाली स्पीशीज है कि CH3, और ये बताओ क्या है, CH और CL, CH और, तो CH3 मतलब क्या, हमारे पास ये CH3, CH2, CL है कि नहीं है क्या भाई, हमारे पास ये CH3, CH2, CL है कि नहीं है। और चलो, तो इसको BR मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, BR। ओके, तो ये एक हेलोएल्केन है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। कार्बन के अराउंड एक कैच, दूसरा कैच, तीसरा क्या है, BR, और चौथा क्या है, मिथाइल। लेकिन मिथाइल को मैंने खोल के लिख दिया। ओके, अब अगर मैं यहां पर कोई रिएजेंट मिलाऊं, KOH, तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो तो कैसे होती है बताओ। बस सिंपल सी बात है कि SN1 के थ्रू, तो SN2 के थ्रू, SN1 के थ्रू हुई तो पहले यहां से कौन निकल जाएगा, BR, क्या बन जाएगा, कार्बो कैटाइन, यहां कॉन्टैक्ट कर देगा OH नेगेटिव, यानी कि एल्काइल हैलाइड से क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ये था ना भाई। और अगर SN2 के थ्रू हुआ तो इस कार्बन के अराउंड कोऑर्डिनेशन क्या है, 1, 2, 3 और 4, इस पे बैक साइड से कॉन्टैक्ट कर देगा कार्बन के ऊपर, OH अटैक कर देगा, और क्या बनेगा हमारे पास, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, फिर BR निकल जाएगा और OH का बॉन्ड पूरी तरह बन जाएगा। ये था ना हमारे पास वही, यानी अगर ये BR जाए और यहीं पर कौन आ जाए, OH, तो ये हमारी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने क्या बोली थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इस पे अटैक ना करके, इस कार्बन अटैक ना करके, ये OH कहाँ अटैक कर सकता है पैरेलल में बताओ, इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन कौन सा है, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो नेक्स्ट क्या हमारा, बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो OH नेगेटिव है ये बीटा हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा, क्या करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा भाई, ये नहीं आपको समझ में, तो ये अगर बीटा हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा, ओके, तो अब ये बताओ ये डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, वहां बताओ, प्रोटोन कैसे निकाल लिया, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाया ये, तो साथ में ये बॉन्ड फिर कहां पर जाएगा, यहां पर। तो हमारे पास तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास बताओ, हमारे पास क्या निकल जाएगा, BR नेगेटिव निकल जाएगा, हमारे पास BR नेगेटिव भी हमारे पास यहां से निकल जाएगा, और साथ में यहां से तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास H2O, और यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल बन जाएगा, इजंट इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर अगर एक ही क्या है, बीटा हाइड्रोजन, तो भाई डबल बॉन्ड यहीं पर जाएगा, और कहीं जाने की इसकी इच्छा, और कहीं से जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसके जाने की, डबल बॉन्ड बनने की, नहीं है हमारे पास क्या होती है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो आपको ये देखना है कि भाई ये कहां पर जाएगा, तो मैं एक
एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो एक रूल होता है सेट्स ऑफ रूल। सेट्स ऑफ रूल आपको ये बताएगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादातर है क्यों बीटा हाइड्रोजन, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन आपने एब्स्ट्रैक्ट करना है और क्या बनाना है प्रोडक्ट, यानी मेजर कब बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा मेजर। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये है, बताओ ये वाला देखो आप, तो सी एच थ्री सी एच टू ठीक है, और सी एच और बी आर, और यहाँ कौन हमारे पास सी एच थ्री। तो आप ये बताओ हमारे पास कितने बीटा हाइड्रोजन हमारे पास, पहले तो हमारा इसमें अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन कौन सा है उपकार, इसमें हमारा अल्फा कार्बन कौन सा है, ये हमारा क्या है अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या है बीटा कार्बन, ये हमारा क्या है बीटा कार्बन। तो इसमें से मैं एक को अलग से दिखा दूंगा हाइड्रोजन को, ये भी क्या है एक बीटा हाइड्रोजन, ये भी क्या है एक बीटा हाइड्रोजन, और ये भी क्या है यहां पर एक, इनको अलग से दिखाओ। तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी नहीं है क्या, यहां पर क्या उपकार दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एलिमिनेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में तो क्या होता है कि लिविंग ग्रुप जहां से गया है ना, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप गया है उसी पे आके कौन जुड़ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एलिमिनेशन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से गया है ना उससे दूसरे कार्बन पे, मतलब लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से गया है उस पे तो न्यूक्लियोफाइल आना ही नहीं है, दूसरे पे भी नहीं आना, लेकिन दूसरे से क्या निकाल लेना है एक प्रोटॉन। नहीं आपको, अब आपसे पूछूं अगर मान लिया हमारे पास रिएजेंट कौन सा हो, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ओ एच नेगेटिव हो, तो ये बी आर नेगेटिव यहाँ से निकल जाए और यहाँ पर कौन आगे जुड़ जाए ओ एच नेगेटिव, तो क्या कहलाएगी ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, निकल आई क्या, क्या कहलाएगी वो सिंपली ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ कि वो यहाँ अटैक ना करके, इस कार्बन के ऊपर अटैक ना करके और बी आर को ना अटकता, वो इससे बीटा कार्बन जो नहीं है इन पर अटैक करता है और क्या निकालने ट्राई करता है इनका प्रोटोन, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ओ एच नेगेटिव आपको पता है एक अच्छा बेस तो है ही, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, आपको इसने यहाँ अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे। तो आप कह सकते हो अगर ये ओ एच कैसे बिहेव करे एज न्यूक्लियोफाइल तो क्या आएगी एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यही कैसे रिएक्ट करे एज बेस, बेस मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर, तो ये प्रोटोन कहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है बताओ भाई, प्रोटीन या तो यहाँ से या यहाँ से, तो अगर ये वाला प्रोटोन निकाल लिया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बी आर नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं है आपको समझ में। तो अगर ये ओ एच नेगेटिव ये प्रोटोन निकाल लेगा तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा मेरे पास ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, प्रोटोन किसे निकाल लिया ओ एच नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया, तो क्या आ गया सी एच, बताओ क्या सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये आ गया मेरे पास भाई, तो कौन सा प्रोटोन निकाला है ये वाला उपकार। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये वाला प्रोटोन निकाल के ये वाला प्रोटोन निकालता तब बताओ क्या बनता हमारे पास, ये वाला हमारे पास तो कैसे बनता भाई, ये निकालता तो ये बॉन्ड यहाँ पर आता और ये फैसे निकलता ना हमारे पास, तो उस वक्त मेरे पास क्या बनता बताओ, ये सी एच थ्री सी एच टू, भैया नहीं निकला अब की बार सी एच थ्री सी एच टू और क्या हो गया ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्योंकि भाई ये निकाल लिया प्रोटोन ओएच नेगेटिव ने, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया, आ गया आपको, तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आया है एक डबल बॉन्ड वहाँ आया, तो कौन सा बनेगा बताइए, ये बनेगा कौन सा बनेगा भाई, नहीं आपको समझ में, क्या कैच, हाँ एक एच भी यहाँ पर है ना, बताओगे यहाँ पर क्या है एच है isn't it, तो आपने देखना है किन में से ये कितना बनेगा, तो मैं आपको बताऊँ ये बनेगा 80% कितना बनेगा ये, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन के क्या बताओ प्रोडक्ट भी, यहाँ पर एलिमिनेशन के जो क्या हैं प्रोडक्ट्स वो भी कितने हैं दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये बनेगा 81% और भाई ये बनेगा सिर्फ 19%, वाई वाई वाई, क्योंकि अब आप याद कर सकते हो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होंगी ज़्यादा और उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी
कम नहीं है आपको। तो सेट्सअप रूल क्या कहता है, क्या सेट्सअप रूल क्या होता है कि अगर ओ एच ने प्रोटोन निकालना है, क्या करना है, अगर ओ एच ने बीटा प्रोटोन निकालना है तो किससे निकालेगा, लेस, ये बताओ क्या है इस पे, क्या सी एच टू, ये क्या सी एच थ्री, तो यहां से निकालता है। अब आपको मैंने पढ़ाया था ना हाइपर कॉन्जुगेशन, कि नहीं पढ़ाया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर क्या बनेगी, थोड़ी बनेगी, और यहां पर तो क्या बनेगी, यहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहां पर इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ रहा है ना, इसके ऊपर दो मेरे पास क्या अल्फा, यहां पर दो सिर्फ क्या अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या जुड़ रहा है, एक सी एच थ्री और एक सी एच थ्री, तो तीन और तीन छह यहां पर क्या है अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं देखो अल्फा बोलने का तरीका अलग अलग होता है, एक तो अल्फा बोल रहा था इसे कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन ये बनने के बाद मैं अल्फा कार्बन किसको बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, नहीं आपको, तो यहां पर क्या आएंगी छह हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां पर क्या आएंगी दो हाइपर कॉन्जुगेट, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, पढ़ा होगा ना आपने भाई, नहीं पढ़ रखा आपने, जितनी ज्यादा क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा हमारा एल्किन क्या होगा, स्टेबल होगा भाई, इजंट इट, तो ये एल्किन क्या होगा हमारा मोस्ट स्टेबल, वो एल्किन क्या होगा लेस स्टेबल, तो ये क्या बनेगा 80% वो बनेगा आपका 19%, बात आपको पल्ले पड़ गई। तो सेट्सअप रूल क्या कहता है कि जब एलिमिनेशन होता है, तो भाई सेट्सअप रूल सिंपली क्या बोलता है कि जब एलिमिनेशन होता है ना, तो प्रोटोन आपने कहां से निकालना है, सेट्सअप रूल क्या बोलता है कि जब आप एलिमिनेशन करते हो क्या करते हो और क्या निकालते हो प्रोटॉन, तो कहां से निकालना आपने बताइए, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से, किसे निकालना आपने वो बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया, तो प्रोटॉन आपने कौन से निकालना है मोर सब, नहीं आपको समझ में, यहां से निकालोगे तो ये बनेगा मोर स्टेबल, हाँ क्या इसको बोलते हैं सेट्स ऑफ रूल। और ये मैं आपको बताऊं भाई, एक साइंटिस्ट थे, अच्छा इसको मैं आपको बताऊँ, इसको जायद सो रूल ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको जायद सो रूल, क्योंकि शुरुआत में ये जो रूल था ना, ये 1875 में एक रशियन केमिस्ट थे अलेक्जेंडर जायद सो, कौन जायद सो, ठीक है, उन्होंने ये रूल भाई डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके ऑनर में क्या बोल देते हैं इसको बताओ जायद सो रूल, आ गया आपको समझ में, उपकार क्या है बताइयो, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से क्या ग्रैब करो ना आपने प्रोटोन, क्योंकि उससे जो क्या बनेगा एल्कीन, वो एल्कीन क्या होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर आपने मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से प्रोटोन निकाला तो एल्कीन भी क्या बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहां पर क्या हमारे पास सी एच टू था ना, और यहां भी सी एच टू होना चाहिए, एक एच किससे हटा रखा है मिथाइल से, एक एच किससे हटा रखा है मिथाइल से, दोनों के एक एक एच के हटा रखे हैं मिथाइल से हटा रखे ना, नहीं आपको समझ में, और बल्कि यहां नहीं हटा रखे, यहां सिर्फ क्या कर रखा बताओ भाई, वो एक साइड तो क्या है सी ए, इस कार्बन पे क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन, इस पे क्या है एक मिथाइल और एक इथाइल और एक प्रोटोन, एक इथाइल और एक, आ गया आपको समझ में, ठीक है। अच्छा एक बात और अगर ये कह दे अगर आपके पास क्या बन सकता हो ट्रांस और आइसो, ट्रांस और सिस दोनों बन सकते हो आपके पास क्या, और बोलो भाई अगर आपके पास ट्रांस और सिस दोनों बन सकते हो, जैसे आप यहाँ आपने ये बनाया है, तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ये होगा ना, वजह क्योंकि इसकी ज्यादा क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसके फर्दर दो बन सकते हैं भाई, ट्रांस और सिस कैसे, इसको आप ऐसे लिखो सी डबल बॉन्ड सी है ना, सी डबल बॉन्ड सी है कि नहीं है, तो इसके साथ क्या क्या है एक एच और एक मिथाइल, तो एक तो एच और मिथाइल क्या हो सकते हैं, एक तो एच और मिथाइल क्या हो सकते हैं एक दो सेम साइड, इसको हम क्या बोलेंगे सिस आइसोमर है ना, और एक दोनों मिथाइल क्या हो सकते हैं दूसरे के अपोजिट साइड, नहीं आप कहो नहीं कि यहां पर तो क्या हो मिथाइल मिथाइल सिस है, लेकिन मिथाइल एच और मिथाइल यानी आपस में पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा ट्रांस, तो ट्रांस क्या होता है मोस्ट स्टेबल,
क्यों भाई? क्योंकि सिस में फिर भी क्या होती है, स्टेरिक हेंड्रेंस, दोनों बल के ग्रुप सेम साइड हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या होगी, स्टेरिक हेंड्रेंस होएगी। तो ट्रांस आइसोमर क्या होता है, मोर स्टेबल होएगा। अब करा गया पसंद में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई सेटस ऑफ रूल आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया, आ गया ना आपको समझ में, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं भाई, एलिमिनेशन में आपने एक बात और भी गौर रखनी है, क्या एलिमिनेशन में आपने एक बात और भी गौर करनी है। अगर एक तो हमारे पास क्या हो बताओ, एक तो हमारे पास क्या हो, प्राइमरी सब्सट्रेट क्या हो मेरे पास, मतलब मेरे पास ये हो CH3CH2Cl, एक तो ये हो मेरे पास, और एक मेरे पास क्या हो CH3CHCl और CH3, और एक मेरे पास क्या हो बताओ भाई, तीनों ही क्या हो CH3। नहीं आपको समझ में, तो यहां पर इस कार्बन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन एक मिथाइल, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन दो मिथाइल, इसके पास क्या है, तीनों मिथाइल। तो क्या पाया गया, एलिमिनेशन पता फास्टर कहां पर आएगा, इसके अंदर, किसके अंदर भाई, टर्शरी में क्या आएगा सबसे फास्टर एलिमिनेशन, सेकेंडरी में क्या आएगा स्लोअर एनिमेशन, एनिमेशन कह रहा हूं मैं, स्लोअर एनिमेशन, एनिमेशन कहूँ स्लोअर एलिमिनेशन, ठीक है, और प्राइमरी सबसे स्लोअर। इसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई अगर टर्शरी में बताओ क्या होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती क्या, टर्शरी में भीड़ क्या होती है, क्योंकि कार्बन बियरिंग हेलोजन उसके अराउंड क्या जोड़ रखे हैं आपने, बल्क ग्रुप। तो यहाँ पर एलिमिनेशन की वजह से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से क्या हो जाएगी sp2, और बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 से 120 बढ़ता है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा भीड़ वाला होता है कि sp3 वाला, sp3 वाला क्या होता है, स्पेशल ग्रुप होते हैं भाई, ज्यादा भीड़ वाला कार्बन होता होगा, तो यहाँ भीड़ घटती नहीं क्या, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, भीड़ घटती होगी नहीं। अब तो जो ऑलरेडी क्या है, भीड़ बाहर से दुखी हो रखा है, वो किसको फेवर करता है बताओ, एलिमिनेशन को। इसीलिए टर्शरी सब्सट्रेट कह देंगे फास्टर रेट, प्राइमरी कह देंगे बताओ भाई स्लोअर रेट। अच्छा ध्यान रखियो, यही रिएक्शन अगर आप कहाँ पढ़ते, एल्कीन वाले चैप्टर में 11वीं में, तो क्या कहलाती है बताओ, क्या कहलाती है, क्या आया करती है उस टाइम पे, फॉर्मेशन रिएक्शन, क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इसमें एल्कीन नहीं बनता क्या, तो एल्कीन की तो ये किसमें आती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, लेकिन हैलोजन ही कहती है ये केमिकल रिएक्शंस में। अगर आपको को केमिकल रिएक्शन होती है वो एक कंपाउंड की तो क्या होती है रिएक्शन, लेकिन दूसरे क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इजंट इट। अच्छा इसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ही बोल देते हैं, वाई इसको हम क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि एक तो भाई बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, और एक अल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है, हैलोजन। भाई हैलोजन तो निकलता ही है अल्फा कार्बन से, और OH क्या निकाल लेता है, बीटा कार्बन से H निकाल लेता है, तो हाइड्रोजन भी निकलता है और हैलोजन भी, तो इसको आप कुछ ही बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो सेटस ऑफ रूल किसके लिए होता है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन के लिए, या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, इनके लिए। आ गया आपको समझ में? अच्छा ये तो मैंने आपको बताया किसके लिए बताया है, ये तो मैंने आपको इसके बताया है, अगर मान लिया भाई प्राइमरी सेकेंड टर्शरी कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मान लिया हमारे पास और फास्टर कहां पर आएगा, आयोडाइड फास्टर आएगा क्या, एलिमिनेशन सबसे फास्टर कहां पर आएगी, आयोडाइड में, मतलब मान लिया अब हमारा ये तो तीनों सेम ही हो, मतलब अगर ये सारे ब्रोमीन हो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अगर सारे क्लोरीन हो तो फास्टर रेट कहां पर आएगी बताओ, टर्शरी वाले में, उसे सलोर कहां पर आएगी, और उसे सलोर यहां पर आएगी नहीं आपको। लेकिन अगर सारी टर्शरी हो तो, और क्या बदल रखा हो आपने, हेलोजन, मतलब मेरे पास क्या हो बताओ, बताओ कार्बन है और CH3 है, CH3 है और CH3 है, अब एक तो है मैं क्या जोड़ू बताओ भाई, फ्लोरीन, एक क्या जोड़ू ब्रोमीन, एक क्या जोड़ू आयोडीन, एक क्या जोड़ू Br ब्रोमीन, ये आपको, तो यहां सबसे फास्टर कहां पर आएगी, आयोडीन में, किसमें आएगी भाई, आयोडीन में, नहीं आपको समझ में, उसे सलोर कहां पर आएगी, ब्रोमीन में, उसे सलोर कहां पर आएगी, और सब सलोर कहां पर आएगी, फ्लोरीन में, बता आपको पल्ले पड़ गई। अच्छा मैं आपको बताऊं इसका एक उल्टा रूल भी होता है, उसको बोलते हैं हॉफमैन रूल, क्या बोलते हैं, हॉफमैन रूल। तो जो फ्लोराइड होते हैं ना, क्या होते हैं,
जो फ्लोरो ऑर्गेनो फ्लोरो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनो फ्लोरो कंपाउंड, हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो ये पाया गया है कि ऑर्गेनो फ्लोरो जो होंगे ना, वो आमतौर पे उनका डबल बॉन्ड सेटेसफ रूल के अकॉर्डिंग शिफ्ट नहीं होता क्या? अब बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मेरे पास ये होता, बताओ मेरे पास ये होता CH3, CH2, और क्या था वो, ये मैंने क्या बताया आपको, CH3, CH2, बताओ। अरे भाई हाँ, CH2 और CH3, मेरे पास ये है, नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई, CH3, CH2, CH2, CH3। तो यहां पर अगर मैं Br लगाता हूँ, मैं क्या लगाता हूँ, Br, तो OH नेगेटिव आएगा, वो कहां से प्रोटॉन निकालेगा बताओ? यहां से निकालेगा। तो हमारे पास क्या, तो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, इसको आप थोड़ा ऐसे लिख दो CH2H, ठीक है बात। और इसको भी आप क्या करो, थोड़ा इसको भी आप थोड़ा भाई एक्सपेंड करके लिख दो, ओके। नहीं आपको, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर हमारे पास उपकार यहां पर कौन आए बताओ, OH नेगेटिव आए, तो वो ये वाला प्रोटॉन निकाल लेगा कि ये वाला प्रोटॉन निकालेगा? कौन सा निकालेगा? ये वाला निकालेगा ना, वजह क्योंकि इसको निकालने से डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये प्रोटॉन निकाला तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये निकाला तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा, लेकिन ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ दो होंगे, तो लेस नंबर ऑफ हाइ, लेसर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल एल्कीन क्या बनेगा? लेकिन अगर यहां से निकलेगा तो हमारे पास, वो तो क्या है हमारे पास, ये यहां से निकल जाए, यहां से यहां पर आ जाए, तो मेरे पास तीन तो ये और तीन मेरे पास ये हो गए, छह मेरे पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो मोस्ट तो निकलना कौन सा चाहिए, तो ये निकलना चाहिए ना आमतौर पर भाई, कौन सा निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए भाई, पक्का? लेकिन और आमतौर पे ये निकलता है, लेकिन यहां पर अगर आपका ब्रोमो हैलोजन, ब्रोमो ऑर्गेनो कंपाउंड ना हो के, ऑर्गेनो ब्रोमो ना है, ऑर्गेनो फ्लोरो है, क्या ऑर्गेनो फ्लोरो है, नहीं आपको ऑर्गेनो क्या हमारा फ्लोरो है, तब पता क्या आएगा, तब ये निकलेगा उल्टा, तो इसको हम बोलते हैं हॉफमैन रूल, क्योंकि ये क्या होता है। अब आप अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, किसकी भाई, एसिडिक कैरेक्टर की, तो ये वाला मोर एसिडिक है कि ये वाला मोर एसिडिक है बताओ, एसिडिक कौन सा होता है, जितनी डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उतना क्या होगा, मोर एसिडिक होगा ना, तो यहां पर इस कार्बन से फ्लोरीन एक बॉन्ड पे है, इस कार्बन से फ्लोरीन एक बॉन्ड पे है, नहीं समझे बात, लेकिन इस कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग ग्रुप, तो वो इसकी डेफिशिएंसी क्या कर दे, हल्की फुल्की कम कर देगा ना, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, मोर एसिडिक, नहीं आपको समझ में, इसका आपको डिटेल पे इसका रीजन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बस यहां पर क्या ध्यान कर लो, अगर यहां पर क्या हुआ, फ्लोरीन हुआ, तो यहां पर कौन निकलेगा बताओ, तो इसकी बजाय उल्टा कर दियो बस, क्या कर दियो, यानी जायद सो प्रोडक्ट की बजाय सेटजफ प्रोडक्ट की बजाय, सेटजफ या जायद सो प्रोडक्ट की बजाय आप क्या बना दियो, होफमैन प्रोडक्ट, उस केस में ये बना दियो, बहुत आपको पहले पड़ गई बस, ठीक है। पर आपको तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।